झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ट्रांसजेंडर को झारखंड सरकार ने थर्ड जेंडर घोषित करने के साथ सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसी के साथ राज्य के हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन के आरक्षण का फैसला लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ये आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट वर्ग के कोटे के तहत दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण की व्यवस्था है। इस पर खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, सुनिए। अभी तो एक कदम बढ़े हैं, इनके क्षेत्र जहाँ जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था उसको भी आज सरकार और उनके तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। अभी यहीं तक दरअसल 7 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सुनिए कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से ट्रांसजेंडर हिजड़ा किन्नर को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने के संबंध में, इसके तहत ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किसी प्रकार के जाति आरक्षण से आच्छादित नहीं है उन्हें राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची के रिक्त क्रमांक 46 पर समावेशित करने का प्रस्ताव था। वंदना डाडेल ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को अब हर महीने 1,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 35 फैसलों पर मुहर लगी है। एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार हिंसा में या दुर्घटना में घायल होने पर कर्मियों को मिलने वाले मुआवजों में वृद्धि की गई है। अब उन्हें 7.5 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। अगर निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मी उग्रवादी हिंसा में घायल या अपंग हुए तो मुआवजे की राशि दुगनी हो जाएगी। कैबिनेट ने कुत्तों को काटने से होने वाली रेबीज बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का फैसला लिया है। ये निर्णय नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वायरल जेनेटिक बीमारी से रोग और मृत्यु को कम करने के दृष्टिकोण से लिया गया है।